चलिए दोस्तों, नमस्कार सभी को। और गांधी जयंती 2 अक्टूबर पर सभी आप लोगों को ढेर सारी बधाई। और उसके साथ साथ एक अच्छी सी क्लास की जाएगी, और सभी साथी, चाहे आदित्य वर्मा, श्याम पांडे, सुमित, बालकृष्ण, पूनम, कन्हैया, प्रियांशु, रेहान, भोलेन, जागृति, मनीष, जितेंद्र एंड अभी हेल्प ट्रेवल मेनिया, शरद पांडे जी एंड कन्हैया मौर्या, एवरीबडी हैज कम। तो लेट अस स्टार्ट द क्लास ऑफ करंट अफेयर्स। एंड करंट अफेयर्स की क्लास के बाद में जो है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी की क्लास भी होगी, एक शानदार क्लास होगी। और उसके बाद में आप लोगों को जो पत्र ले वो जो है गद्यांश की क्लास भी कराई जाएगी। उसके तुरंत आप कल से इतना याद रखिएगा, कल से फिर से हम पत्र लेखन पर, यानी जितने भी चाहे एपीएस वाले हों, चाहे जो है आरओ वाले हों, पत्र लेखन की बारीकियों को एक एक करके फिर से समझाना शुरू करेंगे। क्योंकि तो पत्र लेखन का महत्व, तो चाहे वो ऑब्जेक्टिव के रूप में जो है एपीएस में हो या आरओ में हो, सारी चीजों को फिर से स्टार्ट करेंगे। विजय श्री जी, अरविंद कुमार पाल, जर्नी लवासना, अम्बेश्वर, रुचि, रिंकी, एनबी पांडे, माधव, अरविंद, श्वेता, नवीन, अंजुम, रिंग एंड सभी लोग, अमनदीप, कश्यप, वेरी मोस्ट वेलकम टू आवर सिंप्लीफाई यूपीएससी प्लेटफॉर्म, प्रीति कुमारी, सबको जो है फिर से नमस्कार, गुड इवनिंग करते हुए आगे क्लास को बढ़ाएंगे। और अब जो है बहुत तेजी से तैयारी को आगे बढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री की क्लास एंड सारी चीजें बढ़ाई जाएंगी। एंड ठीक है विजय श्री जी, थोड़ा सा बेटर हैं, पहले से काफी बेटर हैं, बट वीकनेस एंड आल थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है अब मिशन के रूप में काम करेंगे। अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, वी विल स्टार्ट आवर प्रिपरेशन एंड ऑन ए मिशन मोड। एक मिशन मिशन के रूप में, मिशन मोड में हम काम करेंगे, यानी एकदम से ये समझ लीजिए कि सीरियसली काम करेंगे, जितनी जल्दी से तैयारी हो जाए और जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है रिवीजन कर सके, ये हमारी प्लानिंग है। रुचि शुक्ला जी, मैं ठीक हूँ और थोड़ा सा बेटर हूँ पहले से, स्टिल जो है 60-70% तक मैं ठीक हूँ। एंड आगे देखते हैं, सब ठीक हो जाएगा, आगे करते हैं क्लास को। तो लेट अस स्टार्ट द क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग रेसलर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन 53 केजी कैटेगरी एट द 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप। निम्नलिखित में से किस पहलवान ने 2023 विश्व चैंपियनशिप में 53 वर्ग में कांस्य पदक जीता है? और इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के साथ ही जो है अपना आगे का रास्ता भी तय कर लिया है। ठीक है, तो वी विल मूव अहेड ऑन ए मिशन मोड, नहीं तो एग्जाम बहुत मुश्किल करेगा, और मुश्किल बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं आने देंगे, क्योंकि थोड़ी सीटें भी बढ़ जाने की वजह से आराम तो रहेगा, लेकिन ताकत पूरी झोंक दीजिए सभी लोग। अब अगर गड़बड़ाया तो सब खेल खराब हो जाएगा। श्रद्धा जी, आशीष पांडे, स्टेनो, अमिता त्रिपाठी जी, मानसी, मुदित, श्वेता, वेरी गुड, सभी लोग आ गए, देखिए कितना अच्छा हो गया। अंतिम पंगाल, ये सही आंसर है, हरियाणा से हैं, हिसार की डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं। ठीक है, और इन्होंने इसी के साथ इस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतने के साथ 2024 का पेरिस ओलंपिक का अपना रास्ता तय कर लिया है, यानी उस पेरिस के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, ओलंपिक के लिए। ज्योति जी, ठीक हूँ, नमस्कार, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्ड कंपनी लॉन्च इंडिया आज फर्स्ट वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम ऑन मेटावर्स? वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम खोला है किसने, कौन से ज्वेलर हैं, क्या नाम है इस कंपनी का, कौन सा ब्रांड है? अब घर बैठे आप ज्वेलरी को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप कपड़े सेलेक्ट करते हैं उसी तरह आप ज्वेलरी सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वो जो है गारंटी देंगे, जैसे हॉल मार्किंग वगैरह सारी चीज़ें रहेंगी। जैसे आप तमाम कपड़े आजकल आज के ज़माने में देखिए, सभी लोग कपड़े ऑर्डर कर लेते हैं अपना जो है साइज दे करके, और बाकी रिटर्न फैसिलिटी भी होती है, एवरीथिंग विल बी सेम। और एक जो है ज्वेलर्स हैं, यानी ज्वेलरी की कंपनी है जिसने जो है ये वर्चुअल मोड पर पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम खोला है,
जहां से आप लोग घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं। नेहा यादव, श्याम पांडे, सभी लोग, विजय श्री जी, सभी लोगों ने बी कहा है। अगर जिन्होंने बी कहा है, डी भी कहने वाले लोगों की संख्या है। बट अम्बेसर प्रसाद सेन को गोल्ड कह रहे हैं, ट्रेवल मेनिया भी बी कह रहे हैं, एंड जो है सभी लोगों ने ज्यादातर सेंको ही कहा है। सेंको गोल्ड एंड डायमंड इज द राइट आंसर, एंड सेकेंड वन इज द राइट आंसर। दिस इज द कंपनी व्हिच हैज स्टार्टेड ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म, यानी ऑन वर्चुअल शोरूम खोला है, फर्स्ट वर्चुअल शोरूम फॉर द ज्वेलरी। सो यू कैन बाई एनी टाइप ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम योर होम, फ्रॉम सिटिंग बाई होम यू कैन सेलेक्ट एंड परचेज लाइक क्लॉथ्स, कपड़े की तरीके से आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। और सेंकोवर्स नाम से है, सेंकोवर्स नाम से रहेगा ये, ठीक है। सेंकोवर्स नाम याद कर लीजिएगा, कई बार नाम भी पूछ लेता है, सब गड़बड़ हो जाता है जो है। ठीक है, चलिए सेंको गोल्ड थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉवेल ऑथर्ड बाई इंडियन ओरिजिन ऑथर चेतना मारू दैट वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज 2023। एक भारतीय मूल की लेखिका है चेतना मारू, कहां पर है ये? ब्रिटेन में रहती हैं। उनका जो उपन्यास बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उस उपन्यास का नाम क्या है, उस उपन्यास का नाम क्या है ये बताना है आपको। वेस्टर्न लेन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द व्हाइट टाइगर एंड इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, तो आप लोगों को ये बताना है। एंड ट्रेवल मेनिया, वेरी फास्ट गिविंग इन आंसर, एंड लेट अस सी कौन कौन है। श्रद्धा, चलिए जल्दी जल्दी करिए आप सभी लोग जल्दी। मुदित शैलजा, एवरीबडी, सब तो एकदम सभी तो जो है पूरे होशियार हैं, फैजान से लेकर अमिता, सौरभ, हर्षदेव, अम्बेसर, सब तो जानते हैं। कई बार मुझे लगता है सब तो पहले से ही जान रहे होते हैं। वेस्टर्न लेन इज द नेम ऑफ दैट नॉवेल व्हिच हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज एंड द ऑथर इज, ऑथर्स नेम इज चेतना मारू, इंडियन ओरिजिन, ब्रिटिश सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, ब्रिटिश सिटीजन है ये। देखिए रुचि एंड विजय श्री सब ने तो, प्रीति से लेकर शिव प्रताप, सब जूही श्रीवास्तव जी, सब लोगों ने आंसर किया है एकदम राइट। जागृति मिश्रा, एवरीबडी इज राइट। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच एडिशन ऑफ द नदी उत्सव, नदी उत्सव मनाया जा रहा है भाई, सेलिब्रेटेड इन न्यू दिल्ली इन सितंबर, कौन सा एडिशन मनाया जा रहा है, कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? देखिए हमारी जो रिवर्स का रिच हेरिटेज है, हमारे देश में नदियों की एक बहुत ही धनी विरासत है, और आप लोग जानते हैं कि नदियों के नाम पर नदियों की पूजा भी की जाती है, नदियों को एज ए जो है पर्सनाइज किया जाता है, एज ए पर्सन के रूप में यूज होता है सर नदियों के नाम। देखिए आप सभी किसी देवी देवताओं के नाम के जैसा ही है, और सारी पूजा पाठ होता है इनका। तो हमारी जो रिच हेरिटेज ऑफ रिवर सिस्टम है, रिच कल्चर ऑफ जो है रिवर सिस्टम है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए कौन सा मनाया गया, कौन सा संस्करण है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। सत्यव्रत शर्मा, चरण स्पर्श सर, क्या करंट अफेयर्स रिविजन करवाया जाएगा? डेफिनेटली वी विल गो फॉर रिविजन ऑल्सो, फोर्थ एडिशन। सुमित श्रीवास्तव, श्वेता गुप्ता से लेकर जूही फैजान, एवरीबडी, सिमरन, शिव प्रताप, जागृति, फैजान, बिंदु रानी, प्रीति, नेहा, सब लोगों ने, एवरीबडी इज गिवन। नदी उत्सव, ये यमुना नदी किनारे, यानी जो दिल्ली कहाँ बसा है भैया, यमुना नदी किनारे, पवित्र यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर दिल्ली, वहां पर चौथा एडिशन मनाया जा रहा है नदी उत्सव का, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके लिए कौन मना रहा है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग द्वारा, और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर, ये क्या है आगे देखना, आर्ट्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर जो है फॉर आर्ट्स और नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के दोनों के तत्वावधान में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो चौथा, कन्हैया किस बात की सारी बोल रहे हैं भाई, अंजलि शुक्ला जी, आप भी जो है जो आप शायद नई हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंपलीफाई पीपीएससी पर।
Just let us move to the next question. And the fifth question is, which of the following state topped in All India Consumer Price Index numbers for the agriculture and rural laborers for August? अगस्त के लिए कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, ये आपको बताना है। यदुनंदन यादव जी, आपका नाम क्यों नहीं लेंगे भाई, बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है यदुनंदन जी, देख नहीं पाए होंगे तो, नहीं तो जरूर आपका नाम जो है लेते हैं, ऐसा नहीं है या आपका नाम ना लें। एंड देखिए किसने किसने क्या बताया है, मिस्टर राग श्रीवास्तव लिख रहे हैं कि पीसीएस का एग्जाम 24 में होगा। एक और खुशखबरी, ये लगभग लगभग वो सही होने जा रही है, इस बार पीसीएस की वैकेंसी 524 से ऊपर रहेगी, 524 से भी ऊपर रहने वाली है। तो जो लोग आगे पीसीएस के लिए एस्पायर करते हैं वो लोग बहुत आराम से जो है उनके लिए बहुत गोल्डन चांस आने वाला है, जिसमें एसडीएम की सीटें भी 60 से ऊपर रहेंगी, बहुत बढ़िया चांस आने जा रहा है जो लोग एसडीएम बनने को एस्पायर करते हैं। चलिए, ए इज द राइट आंसर, एवरीबडी इज गिवन, शिव प्रताप, महेंद्र कुमार, प्रीति, ठीक है। अम्बरीश मिश्रा जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, सौरभ कह रहे हैं बिल्कुल सही है, रिंकी साक्या से लेकर एवरीबडी इज गिविंग द राइट आंसर, वन इज द राइट आंसर। तो इसी तरह आप लोग लगे रहिए, इसी तरह मेहनत करते रहिए, और ये एग्जाम आपके लिए कुछ भी बहुत ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता, बहुत कठिन नहीं होगा। इस जर्नी को हम लोग साथ में मिल करके बहुत सिंपल बनाएंगे, जैसे सिंपलीफाई पीपीएससी प्लेटफॉर्म है, वी विल मेक योर जर्नी वेरी सिंपल, बट यू हैव टू वर्क हार्ड टिल द एग्जाम इज ओवर। चलिए राइट, लेट अस मूव, सिक्स्थ क्वेश्चन पर आते हैं। अवार्डेड द मोस्ट रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर टू द व्हिच प्लेटफॉर्म हैज बीन अवार्डेड द मोस्ट रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर 2023, 2023 के सबसे विश्वसनीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का पुरस्कार किसे मिला, जिरोधा, बेनोमो एंड मेरिलेस एंड बेबुल। ट्रेवल मेनिया इज इंडिकेटिंग समथिंग, सुमित श्रीवास्तव, चलिए विनीता उपाध्याय जी, वेरी गुड, मोदित, फैजान, अरविंद पाल, अंजुम निशा जी बेबुल कह रही हैं। एलपीएस पटेल, बहुत सारे लोग अलग अलग जो है आंसर कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, श्रद्धा एंड जूही दोनों लोग कह रही हैं डी, तो मुझे तो डाउट हो गया कि जो है क्या कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि जो है आदित्य वर्मा और श्वेता गुप्ता ने सही आंसर किया है, और जो है इन्हीं के साथ जो है आदित्य वर्मा और श्वेता गुप्ता ने जो कहा है, ज्योति दुबे ने भी सही कहा है, बिनोमो ही इसका आंसर है, यही कंपनी है, सबसे विश्वसनीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का पुरस्कार इसे मिला है, सबसे जो है, हाँ बिल्कुल जूही जी, आपने देख सही कर दिया, उसे सही कर दिया, वेरी गुड, बिल्कुल आपने इसको अब सही आंसर आपने दे दिया है, दैट्स राइट, बिनोमो इज द मोस्ट रिलायबल कंपनी। जागृति जी, जरूरी है, जरूरी तो है ही, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है, फिर भी संभव ना हो तो कोई बात नहीं। बिनोमो यहाँ पर लिखा है, बिनोमो को वर्ल्ड बिजनेस आउटलुक अवार्ड्स और इंटरनेशनल बिजनेस मैगजीन अवार्ड्स में बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का पुरस्कार मिला है, मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ग्लोबल के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, याद कर लीजिएगा, बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है भाई, अरुण सिंह, बिनोमो इज जस्ट नथिंग बट ए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है बस,
कोई बात नहीं सौरभ जी, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। सातवां है, हु इज आर द सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमन टू स्टैंड एज एन अंपायर इन द मेन्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में काउंटी होता है ना, काउंटी क्लब। कोई बात नहीं, चलता रहता है, ठीक है। तो वहां पर ब्रिटेन में एक पुरुषों के क्रिकेट मैच में एक महिला अंपायर होंगी, उनका नाम क्या है वो बताना है। प्रांजलि मिश्रा करी, आप सर करंट कहां से पढ़ाते हैं? कहीं से पढ़ाते हो आप, पढ़िए चुपचाप। कहां से पढ़ाते हैं, सोर्स आप पूछेंगी, फिर आप पूछेंगे हिंदी कहां से लाते हैं, पत्र कहां से लाते हैं, कहीं से लाते हैं, आपके लिए लाते जरूर रहेंगे, ठीक है। शोभित गौर, आई थिंक यू आर वेरी राइटिंग वेरी बैड कमेंट मिस्टर शोभित गौर। तुम जितनी जल्दी हो सके खिसक लो बेटा, इधर आओ यार। एक शोभित गौर करके कोई आया, किसी और कोचिंग से जुड़ा होगा, उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहा हमारे बच्चों को, हमारे साथियों को, हमारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। शोभित गौर, यहां से कम 50 बच्चे सेलेक्ट होंगे, मैं ये लिख के दे रहा हूं, ठीक है। तुम जैसे जो है मेंटली अपसेट लोग, शोभित गौर करके इसको हटाओ, नालायक लड़का है ये। भगाओ इसको, जो इसको कुछ नहीं आता, हटा दिया, गुड। चलिए, तो आप सभी ने आंसर दिया है, यस बी का आंसर दिया आप सभी लोगों ने, ज्यादातर जो है। सूर्य एंड फल एक जो है महिला क्रिकेटर हैं, ठीक है। राज बहादुर कह रहे आपकी पहली क्लास है, वेरी गुड। आप राज बहादुर जी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्लास करिए, अच्छा है, कोई बात नहीं। देखिए रू सू रेड फर्न अगले सप्ताह इंग्लैंड और वेल्स में पुरुषों के प्रथम श्रेणी क्रिकेट में मैच अंपायर के रूप में खड़ी होने वाली पहली महिला बन जाएंगी। बस इतना ध्यान रखिए, 21 बार खेली इन्होंने 95 से 99 के बीच, दैट्स ऑल, याद कर लीजिए, काम खत्म। इन सितंबर 2023 इंडिया एंड यूएस विल पार्टिसिपेट इन एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। सितंबर 2023 भारत और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास के संस्करण में भाग लेंगे, अलास्का में होने जा रहा है, अलास्का में, अलास्का अमेरिका में ये सैन्य अभ्यास होगा। ये कौन सा संस्करण है ये देखना है। बिल्कुल कंप्यूटर क्लास चलता है, अगर एपीएस के लिए कंप्यूटर क्लास 5 से 6 चल रही है, आप देख सकते। एक राजेश कुमार भी यार कुछ जो है आया है, इसको भी थोड़ा देखना, राजेश कुमार। कोई बात नहीं, प्रज्ञा तिवारी जी कह रही लेट हो गए, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। और क्वेश्चन का आंसर 8 में सी आप लोगों ने किया, ज्यादातर लोगों ने सी किया है, ठीक है। 8 में सी आंसर किया है, 19 बिल्कुल। राम, अभिषेक मिश्रा, सौरभ सिंह, ज्योति, सुमित, शैलजा, प्रीति, अंजुम, निशा, रविकांत शुक्ला जी एंड अमिता त्रिपाठी जी, ज्योति दुबे जी, जोया बिंदु रानी, रुचि शुक्ला जी, एवरीबडी इज गिविंग राइट आंसर यार। श्वेता गुप्ता, सब लोगों ने देखिए एकदम, सबको तो पता ही रहता है, सबको जो है सबको पता है। जागृति मिश्रा जी, राम प्रताप, विजयश्री जी, अंजुम निशा, सबने सब, एवरीबडी इज राइट। 19वां संस्करण होने जा रहा है भारत अमेरिका का संयुक्त अभ्यास अलास्का में, ठीक है। उसके बाद आते हैं 9th क्वेश्चन पर, Who has become the first woman speaker of the Odisha Legislative Assembly? ओडिशा के विधानसभा में महिला, पहली महिला अध्यक्ष यानी पहली महिला स्पीकर, विधानसभा की अध्यक्ष कौन है? तो ऐप पर चलता है राज बहादुर जी। धर्मेंद्र जी स्वागत है। कुछ लोग उल्टा सीधा कमेंट करने के लिए, आजकल जो आप लोगों की पॉपुलरिटी है ना, जो इस प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी है, जितना आप लोग सहयोग कर रहे हैं ना,
ठीक है, उतना इतना अच्छे से चल रहा है कि पूरे अन्य कोचिंग में एकदम हड़कंप मचा हुआ है कि क्यों इतना लोग विश्वास करते हैं। इसकी वजह से एक दो चार लोगों को उन्होंने लगा रखा है उल्टा पुल्टा कमेंट करने के लिए, ठीक है। तो उसकी चिंता नहीं है। प्रमिला, सही सही है, ठीक है। प्रमिला, प्रमिला मलिक, प्रमिला मलिक इज द राइट आंसर, यही सही है। और पहली महिला स्पीकर, ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं ममता, बाद में देख लीजिएगा। चलिए और आप लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी की कुछ क्विज करेंगे, कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताएंगे। उसके बाद गद्यांश की क्लास होगी जितना संभव है। आज छोटी छोटी क्लासेस, दो और क्लासेस लेंगे, 30-30 मिनट की दो और क्लासेस लेंगे, जहां तक संभव है आप लोग आइएगा तुरंत, इसके बिना कहीं गए हुए तुरंत क्लास करेंगे, ठीक है। एंड सितंबर 2023 में किसने दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ाई की है, कौन है भाई, ये थोड़ा देखने की बात है, ठीक है। सितंबर 2023 में किसने दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची, इसका नाम है कुछ जो है नेपाल में है, ये मनास मनासलू करके कुछ है चोटी, ठीक है, नेपाल में मनासलू करके है एक, देखते हैं अभी चोटी कौन सी है, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। सुनील कुमार है, बचेंद्री पाल, नरेंद्र नरेंद्र जला जयाल, मोहन सिंह गुंजाल। राज बहादुर जी, ऐप डाउनलोड करना है तो 6392082615 पर व्हाट्सएप करिए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहीं से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर एक नंबर और है, इस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं आप जो है, ठीक है। ये सुनील कुमार एक बैंकर हैं और इन्होंने ही जो है दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी पर जो है चढ़ाई की है। सुनील कुमार इज द राइट आंसर, जितने हैं सुनील कुमार आंसर दिया है सही है, ठीक है, ओके, ठीक है। अभिनंदन जी कर लीजिएगा, और जिन्होंने कुछ और आंसर किया उसको आप सभी लोग सही सही कर लीजिएगा, ठीक है। और तुरंत अभी अगर 8:30 बज गया है तो तुरंत आइए हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी के थोड़ा सा छोटा सा सेशन कर लेंगे। उसके बाद में गद्यांश में, गद्यांश में कुछ ऐसी टेक्निक और के साथ एक छोटा सा गद्यांश करेंगे आज, वो भी क्लास होगी, और थोड़ी और सेहत सही हो जाए फिर। और कल से जितने पत्र हैं उनकी बारीकियां, चाहे शासकीय अर्धशासकीय अधिसूचना कार्यालय ज्ञाप कार्यालय आदेश अनुस्मारक, सारे पत्रों पर एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी, फिर से लिखाया जाएगा, फिर से बताया जाएगा, ठीक है। आज अभी गद्यांश, अभी तुरंत हिंदी टू इंग्लिश जो 20 नंबर का है आरओ में और 10 नंबर का है जो है एपीएस में, उसके तुरंत बाद जो है क्लास होगी गद्यांश की, ठीक। अजय प्रताप सिंह हॉस्पिटल गए थे, तो सभी लोग जो है आइए तुरंत, विद इन 1 मिनट आप लोगों का स्वागत है। जो लोग करना चाहें आ सकते हैं, जो लोग और पढ़ाई करना चाहें वो जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।